सबसे ज्यादा खून रंजन लिखे हैं, शायद इसीलिए उसे लाल समंदर कहते हैं। एसएस राजा मौली की आरआर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद अब साउथ के जूनियर एनटीआर अपनी एक और बिग बजट मूवी देवरा पार्ट वन लेके आ रहे हैं, जिसका एक ग्लिम टीजर सामने आ चुका है, जिसमें जूनियर एनटीआर के बेहतरीन लुक को रिवील किया गया है। हालांकि इसका फर्स्ट लुक टीजर एक वर्ष पहले ही एनटीआर 30 के नाम से जारी किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ डेविल में। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर की अपकमिंग बिग बजट देवरा पार्ट वन की ग्लिम्स टीजर के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, देवरा का इंतजार एनटीआर के फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये ग्लिम्स देखकर लोगों के अंदर फिल्म को लेकर एक्साइटेड और भी बढ़ चुकी है। दोस्तों, देवरा का टीजर महज 1 मिनट 19 सेकंड का है, जिसमें हमें ये हिंट दिया गया है कि मूवी का स्टेज क्या होने वाला है। ग्लिम्स से हमें ये पता चल रहा है कि फिल्म में समुन्दर के पैरट्स वगैरह दिखाया जाएगा। देवरा को 2 भागों में बनाया जा रहा है, जिसमें देवरा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी होने वाली है, और इसमें हमारे एनटीआर साहब सी पैरट से लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जैसे ही ग्लिम्स शुरू होती है तो समुद्र में एक नाव को दिखाया गया है, जिसमें कुछ लुटेरे उसे लूटने को आते हैं और फिर नेक्स्ट क्लिप में देवरा यानी एनटीआर उनको मारते हुए नजर आते हैं। बेसिकली टीजर के बैकग्राउंड में एक इंग्लिश सॉन्ग चलते रहता है, जो एनटीआर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। टीजर के अंत में देवरा का एक डायलॉग भी है, इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समुन्दर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म की स्टोरी उसी समुद्र के अगल बगल ही होगी। जिस तरह से टीजर में देवरा लुटेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन एंड कैमरा वर्क यूज किया गया है, वही एक जगह ऐसा है जहां आधे चांद को एनटीआर अपने वार से खून की छींटे उड़ाकर पूरी कर रहा है। वो एंगल मुझे बहुत ही खतरनाक और बहुत खूबसूरत लगा। और वहीं सिनेमेटोग्राफी और VFX की बात करें तो काफी अच्छा है। इस पूरे सीन को एक स्टूडियो में शूट किया गया है, वहीं टीजर में 4 चांद लगाने का काम कर रही है इसका म्यूजिक, जो आजकल के यूथ यंगेस्ट म्यूजिशियन जो हर जगह छाए हुए हैं अनिरुद्ध ने दिया है। टीजर में सिर्फ जूनियर एनटीआर को ही दिखाया गया है, जबकि बाकी के किरदारों को रिवील नहीं किया गया है, हो सकता ट्रेलर में हम सबको देखने को मिले। दोस्तों, देवरा में आपको एनटीआर के अलावा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर नजर आएंगी, जिसमें जाह्नवी कपूर का ये तेलुगु इंडस्ट्रीज में डेब्यू मूवी होगी। सैफ अली खान मुख्य विलन के रोल में होंगे और साथ ही साथ फिल्म में प्रकाश राज भी देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में एनटीआर बाप बेटे के रोल में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आजकल काफी फेमस भी हो चुका है। वैसे भी इंडियन सिनेमा में समुद्र को लेकर ज्यादातर फिल्में नहीं बनती है। दोस्तों, देवरा का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इस तरह की सिनेमा के लिए बनता भी है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कोरातला शिवा और इसे युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले सुधाकर मिकिले नन्नी और कोसा राजू हरिकृष्ण द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। फिल्म को 5 अप्रैल 2024 को तेलुगु के अलावा लगभग सभी भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। अगर आप एनटीआर के डाई हार्ड फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 एडी की, जिसका हाल ही में रिलीज डेट अनाउंस किया गया है। प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 एडी एक इंडियन एपिक माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन डायस्टोपियन फिल्म होने वाली है, जो एक बहुत बड़े बजट में बन रही है। हाल ही में प्रभास की फिल्म सलार आई थी, जो काफी अच्छा खासा बिजनेस किया, जिसके डायरेक्टर KGF के प्रशांत नील हैं। अब वो 2024 में कल्कि 2898 एडी में एक बार फिर से बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसके लेखक और निर्देशक नाग अश्विन हैं और सी अश्वनी दत्त द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म में आपको प्रभास के अलावा दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दिशा पटानी जैसे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। फिल्म की घोषणा फरवरी 2020 में वैजयंती मूवी की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के तहत ऑफिशियल अनाउंस किया गया था। दोस्तों, फिल्म का शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में किया गया है। दोस्तों, फिल्म का लगभग 95% शूट कंप्लीट हो चुका है। वहीं कल्कि 2898 एडी को लगभग 600 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जा रहा है,
जो अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है, जिसमें हम सभी को फ्यूचरिस्टिक एक्शन लेवल देखने को मिलेगी जो हॉलीवुड से कम नहीं होगी। दोस्तों, कल्कि को 9 मई 2024 को लगभग सभी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। अगर आप भी साउथ मूवी देखना पसंद करते हैं और प्रभास के डाई हार्ड फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।